दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में क्या अंतर होता है, क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे होते हैं, क्रेडिट कार्ड कितने प्रकार का होता है, SBI क्रेडिट कार्ड क्या होता है, सारी चीज़ें जानोगे आप इस वीडियो में। क्रेडिट कार्ड के लिए कितनी सैलरी होना चाहिए जब आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, क्रेडिट कार्ड कितने दिनों में आता है, है ना, सारी चीज़ें हम जानेंगे। क्रेडिट कार्ड कौन जारी करता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और क्रेडिट कार्ड लेने के फ़ायदे क्या है तो वो जानोगे आप इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में हम जान लेते हैं सबसे पहले। बात कर लेते हैं हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर क्या है। तो बात करते हैं अगर हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की, तो डेबिट कार्ड क्या है, तो डेबिट कार्ड से आप अपने खाते से ही रकम क्या निकाल सकते हैं, जबकि जो क्रेडिट कार्ड होता है इसके माध्यम से आप रकम जो बैंक है बैंक से रकम उधार ले सकते हो और उसे वापस टाइम पर लौटा सकते हो। डेबिट कार्ड के द्वारा आप ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है वो सारे कर सकते हो, वो भी अपने खाते के माध्यम से ही कर सकते हो, जबकि जो क्रेडिट कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है, इस लिमिट के द्वारा आपके सेवा प्रदाता बैंक द्वारा तय की गई रकम होती है। जैसे कि बैंक एक लिमिट दे देती है आपको कि आप 50,000 45,000 1,00,000 2,00,000 10,00,000 रुपये तक का जैसे एक लिमिट दे देती है। ये आपके व्यवहार पर निर्भर करता है कि आपका व्यवहार बैंक में कैसा है शुरू से, उस हिसाब से बैंक आपको एक लिमिट देती है और उस लिमिट के हिसाब से आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है इन दोनों का फ़ायदा और इनमें डिफरेंस। अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है, तो क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल संस्थाओं जैसे कि बैंकों होती है हमारे द्वारा जारी किया जाता है। यह एक प्लास्टिक या मेटल कार्ड होता है जो आपको अपनी खरीद हेतु भुगतान करने के लिए एक जो प्री अप्रूव्ड होता है ना, प्री अप्रूव्ड लिमिट से फंड उधार लेने की सुविधा देता है। कार्ड जारी करने वाली कंपनी द्वारा आपके क्रेडिट कार्ड स्कोर और हिस्ट्री के आधार पर कार्ड की लिमिट प्रदान की जाती है। इसमें आपको बोनस टाइप से चीज़ें मिलती है, बोनस भी मिलता है। बात करते हैं क्रेडिट कार्ड से आप क्या क्या खरीद सकते हैं। जैसे अगर आप फ्यूल खरीदना चाहते हो, ज़्यादातर आप जैसे फ्यूल मतलब अपनी गाड़ी में जो पेट्रोल है पेट्रोल भराते हो ज़्यादा, तो आप उसको यूज़ कीजिए क्रेडिट कार्ड को। इसमें आपको जो रिवार्ड है रिवार्ड का एक ऑप्शन मिलता है जिसके माध्यम से आपको बोनस मिलता है, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। टिकट हुआ, होटल टिकट बुक कराना हो, ट्रेवल्स क्रेडिट कार्ड, मतलब सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रेडिट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रेडिट कार्ड होते हैं फ्यूल क्रेडिट कार्ड होता है, रिवार्ड क्रेडिट कार्ड होता है, शॉपिंग क्रेडिट कार्ड होता है, है ना, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता है। ट्रेवल क्रेडिट कार्ड, ट्रेवल क्रेडिट कार्ड की मदद से आप सभी एयरलाइंस टिकट बुक करा सकते हो, बस बुक करा सकते हो, रेल टिकट बुकिंग है ना, कैब और बहुत सारी चीज़ें मतलब जो ट्रेवल से रिलेटेड है वो आप सारी बुक करा सकते हो। उसके बाद हम जान लेते हैं अगला जो पॉइंट है वो ये है क्रेडिट कार्ड कितने दिनों में आता है। तो रिप्लेसमेंट अनुरोध की तारीख या पहुँच जाता है, मतलब 7 दिनों के अंदर आपके पास पहुँच जाता है। एक बार कार्ड भेजे जाने के बाद अगर आपको क्रेडिट कार्ड सेंड कर दिया है बैंक की तरफ से, तो आपको 7 दिनों के अंदर जो कि वर्किंग डे होता है यानी संडे वनडे हटा के 7 दिनों के भीतर आपको कार्ड मिल जाता है। SBI क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाते हैं, तो SBI क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाते हैं, तो नाम आपका नाम पूछा जाता है। SBI अगर आपके पास है ना, तो आपका नाम भरे सिटी भरना पड़ता है, उसमें ऑप्शन जो आपका मतलब जो कार्य वो डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ता है, एनुअल इनकम भरना पड़ती है, पैन कार्ड भरना पड़ता है, जब आप इसमें जो SBI कार्ड है वो बनवा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं अगर इसमें आपको सैलरी, आपकी सैलरी कितनी होना चाहिए, तो आपकी जो सैलरी होना चाहिए वो 1,20,000 रुपये आपकी सैलरी होना चाहिए। सालाना की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो 12,00,000 रुपये सैलरी होना चाहिए और साथ ही आपके मिनिमम जो सैलरी है इसे 18,000 रुपये है, पर आपके 12-15,000 रुपये भी अगर आपका जो कंटिन्यू आपकी सैलरी आती है आपके अकाउंट में और आपका व्यवहार अच्छा है तो बैंक से, तो आपको बैंक ऑफर कर सकती है आगे होके। तो इस टाइप से आपको क्रेडिट कार्ड का क्या है कि आपको ऑफ़र किया जा सकता है कि आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, आपसे पूछा जा सकता है बैंक के द्वारा अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो बैंक में और आपके कंटिन्यू आपका अकाउंट में पैसा आता है तो। उसके बाद बात करते हैं क्रेडिट कार्ड का उपयोग कैसे करें, तो रियायती अवधि का लाभ उठाएं, सही खरीदिए, सही कार्ड का उपयोग करें, इमरजेंसी के दौरान लोन का विकल्प चुनें, अपनी खरीद को EMI में बदले और सबसे अधिक रिवार्ड पॉइंट अर्जित करने के लिए ऑनलाइन खरीदी करें।
अपने रिवार्ड पॉइंट रिडीम कार्ड के फायदे क्या है। तो क्रेडिट कार्ड मतलब जो आप लेते हो तो उसका फायदा क्या, तो क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप खरीदी यानी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने घर के फ़ोन के और बिजली के जो बिल है वो भर सकते हो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ायदे, आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो, घर बैठे कोई सी चीज़ें खरीद के मंगा सकते हो। क्या क्रेडिट कार्ड में न्यूनतम देय राशि है? क्रेडिट कार्ड चाहे वीजा ने जारी किया हो या मास्टर कार्ड ने जारी किया हो, हर महीने क्रेडिट कार्ड की केवल 5% जो बकाया राशि है का भुगतान करना अनिवार्य है। शेष राशि अगले महीने रोल ओवर की जा सकती है देय तिथि पर ब्याज और जो टैक्स के साथ लेट पेमेंट फीस लगाई जाती है। क्रेडिट कार्ड में कितना ब्याज लगता है? तो क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर आमतौर पर 2.5 यानी 2.5% से 3.5% प्रति माह तक होता है। हालांकि यह एक कार्ड से दूसरे कार्ड में अलग अलग हो सकता है। यह सालाना होता है, ये जो 2% 2.5% आपका वो नहीं जो जर्नल आप यूज़ करते हो, ये सालाना होता है। सालाना मतलब 12 महीने के हिसाब का होता है ये। तो दोस्तों आपने जाना कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है और इसके फ़ायदे क्या क्या है। तो अगर सभी चीज़ों को जान लिया हो तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो फिर आप अपने बैंक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो लेने के लिए। दोस्तों ये अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करना, ऐसे वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।